हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास सेवेंथ एवरीवन, टुडे टेक योर इंग्लिश फर्स्ट। आप अपनी इंग्लिश फर्स्ट की बुक ले, पेज नंबर 117। एवरीवन ओपन पेज नंबर 117 इन अ ग्रामर पोर्शन। टुडे वी विल लुक इन ग्रामर पोर्शन एडवर्ब। टुडे आवर टॉपिक इज एडवर्ब विच इज ऑन पेज नंबर 117। वी हैव ऑलरेडी रेड दिस टॉपिक ड्यूरिंग आवर ऑफलाइन क्लास। जब हमारी ऑफलाइन क्लास चल रही थी उस समय भी हम लोगों ने एडवर्ब को पढ़ा था, बट फॉर अ रिविजन वर्क एंड विच इज गिवन इन योर बुक। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच इन फ्रंट ऑफ यू। सो एवरी वन लिसन केयरफुली, वॉट इज द मीन ऑफ एडवर्ब and kinds of adverb, and after that in a homework you will solve exercise number I and J on page number 118. Okay, so let's start. First of all we will look the meaning of adverb. What is the meaning of adverb? Ad plus verb, एड प्लस वर्ब। देखिए आप अपनी बुक में भी देखिए, एड और वर्ब है। तो एड मीन्स क्या होता है? जोड़ना, और वर्ब, वर्ब के साथ जुड़ना। इन सिंपल वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स मीन्स बहुत ही सामान्य या बहुत ही कह लीजिए कि सामान्य अर्थों में या बहुत ही साधारण अर्थों में कह सकते हैं कि एडवर्ब्स टेल अस मोर अबाउट द वर्ब्स। मीन्स एडवर्ब का वर्क क्या है? वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब के बारे में जानकारी देता है। They add to the verb means वो verb के साथ जुड़ करके verb के बारे में हमको और definite जानकारी देता है। Like क्या? Adjectives describe the noun, जैसे कि। Like means जैसे कि, जो adjective होती है वो क्या करता है? वो describe करता है किसको? Noun को, pronoun को। ठीक उसी तरीके से जो adverb होता है वो भी हमें बताता है कि जो work है वो कहाँ किया गया। They tell us how, where और when an action takes places। मीन्स कोई भी जो action word है, कोई verb है, वो कब, कहाँ और कैसे किया गया। ठीक है, तो फिर से एक बार देखो। In simple words, adverbs tells us more about the verbs they add to the verbs। Like adjectives the noun, adverb describe the verbs, they tell us how, where or when an action takes place। क्या कह रहा है कि जिस तरीके से एडजेक्टिव अपना वर्क करता है वो नाउन, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव को भी, मतलब वो एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है, ठीक उसी तरीके से जो वर्ब एडवर्ब होता है वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, उसकी क्वालिटी को बताता है, उसके बारे में बताता है कि वो कब, कहाँ और कैसे किया गया। तो अगर सिंपल फॉर्म में देखें तो हम कह सकते हैं एक और डेफिनेशन कि वर्ड्स दैट टेल हाउ एन एक्शन इज डन आर कॉल्ड एडवर्ब। मीन्स वह शब्द जो हमें बताते हैं कि कोई एक्शन किस तरीके से किया गया वो हमारा एडवर्ब है। सिंपल फॉर्म में अगर हम देखें जैसे, तो कह सकते हैं कि द गर्ल द एग्जाम्पल देखें, द गर्ल क्राइज लाउडली। द गर्ल्स, जो लड़की है वो चिल्लाती है कैसे? लाउडली। तो ये जो लाउडली है ये आपका क्या है? ये एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब किसको क्लैरिफाई कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है? क्राइज वर्ड के बारे में, कि ये जो चिल्लाना है वो कैसा है, उसकी गति क्या है, उसकी फ्रिक्वेंटली क्या है, वो कैसे किस वे में कर रहा है या हो रही है आवाज़, तो वो आपको बता रहे कि बहुत तेज़ी के साथ। ठीक है, चल टुडे वी विल सी काइंड्स ऑफ एडवर्ब। आज हम अब देखेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के प्रकार।
एडवर्ब्स ऑफ मैनर. सबसे पहले हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर इंडिकेट द मैनर इन विच एन एक्शन टेक प्लेस. जैसे अभी हमने आपको एग्जाम्पल बताया ना, द गर्ल्स क्राइज लाउडली, जो लड़की है वो कैसे चिल्लाती है, बहुत तेज. तो मतलब मैनर मीन्स क्या होता है, तरीका, कि कोई काम किस तरीके से किया गया. ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल है द गर्ल्स सिंग्स स्वीटली. जो गर्ल्स है वो क्या है, किस तरीके से गाना गा रही है, स्वीटली, बहुत मीठा. दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो कह सकते हैं द पिकॉक डांसेस ब्यूटीफुली. जो पिकॉक है वो डांस कैसा कर रहा है, बहुत ही सुंदर. तो इसमें देखो ये तरीका है ना, ब्यूटीफुली या स्वीटली, लाउडली, तो ये हमारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं, जो तरीका बताए एक्शन के बारे में कि वो एक्शन किस तरीके से किया गया है. एडवर्ब ऑफ प्लेस नेक्स्ट है. एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस मीन्स स्थान. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोई अगर एक्शन, जो एक्शन वर्क है वो वर्क कहाँ किया गया उसके बारे में वो बता रहा है. एग्जाम्पल है द फ्लावर्स ब्लूम एवरीवेयर. द फ्लावर ब्लूम एवरीवेयर मीन्स जो फ्लावर है वो ब्लूम, ब्लूम मीन्स खिलना, और यहाँ पास्ट है, तो जो फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं, वो चारों तरफ खिले हुए हैं. तो यहाँ पे क्या पता चला, एवरीवेयर बता रहा है ना. या फिर अगर कोई है, जैसे कि माय फादर इज सिटिंग, मेरे फादर कहाँ बैठे हैं, इज सिटिंग इन रूम. तो बता रहे कि मेरे फादर कहाँ बैठे हैं, इन रूम. तो वो जगह, वो स्थान जहाँ पे कोई वर्क किया जाए वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है. सेम इसी पैटर्न पे है एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम इंडिकेट द टाइम द एक्शन हैज टेकन प्लेस. मीन्स एडवर्ब ऑफ टाइम मीन्स कोई काम जो आपके किसी समय पे किए गए हो, कोई वर्क अगर किया जा रहा है तो उसका कब. जैसे है कि कंप्लीट योर वर्क नाउ, तुम अपना काम अभी करो, तुम अपना काम अभी करो. या कंप्लीट योर होमवर्क एट योर होम. अपना जो वर्क है वो कब करोगे, एट योर होम, घर पे करोगे. तो आफ्टर समटाइम्स, कंप्लीट योर वर्क आफ्टर समटाइम. या फिर इसका एग्जाम्पल और देख सकते हैं हम. शी केम हेयर डेली. वह यहां पर आई डेली. जैसे कि हमेशा वो आती है डेली, इसी तरीके से प्रतिदिन वो यहां पर डेली ही आती है. तो शी केम हेयर डेली. या फिर She will come late. वो आएगी लेकिन लेट में. तो ये वर्ड बता रहा है ना कि काम जो है वो कब होगा या एक्शन कब होगा, या तो लेट होगा, या तो डेली होगा, या तो अर्ली, या तो इमीडिएटली. जैसे हम कहें कि द डॉक्टर इज कमिंग इमीडिएटली, जो डॉक्टर हैं वो तुरंत आ रहे हैं. तो इन वर्ड से पता चल रहा है कि जो हमारा एडवर्ब क्या है, वो एडवर्ब ऑफ टाइम है. नाउ एडवर्ब ऑफ frequently indicate how often the action takes place. Means कह रहा है कि जो हमारा work है, जो adverb है, वो किस गति से हो रहा है. एक दिन में हो रहा है, दो दिन में हो रहा है, daily हो रहा है. जैसे कि the newspaper, the news seller is published weekly. The news लेटर इज पब्लिश्ड वीकली. जो न्यूज लेटर है, मीन्स जो पत्र वाला जो लेटर है, ये पब्लिश्ड किया जाता है वीकली. इसको अगर हम चाहें चेंज करना तो कर सकते हैं, द न्यूज लेटर इज पब्लिश मंथली, मासिक में एक बार, या वीकली, इस तरीके से कर सकते हैं. नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ डिग्रीज. एडवर्ब ऑफ डिग्री मीन्स एडवर्ब ऑफ डिग्री इंडिकेट The extent of labels something is done or happens. Adverb of degree बताता है कि कोई हमारा जो work है, means adverb of degree में हम कह सकते हैं कि कोई भी जो work है वो हमें ये बताता है कि कोई जो work है वो how much या फिर किस तरीके से किया गया. जैसे हम कह सकते हैं example में, he was very excited.
वो कैसा था? बहुत उत्साहित। तो यहाँ जो वेरी वर्ड है वो आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है। या और कोई एग्जाम्पल, द रनर वॉज नियरली एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मीन्स थका हुआ। जो रनर था, जो दौड़ने वाला था, नियरली मीन्स एकदम से लगभग वो थक गया था। तो यहाँ पे जो नियरली वर्ड है, या फिर ही वॉज वेरी एक्साइटेड, या इसमें है द दिस बुक इज क्वाइट अमेजिंग, ये जो बुक है क्वाइट मीन्स अद्भुत है अपने आप में। तो जो क्वाइट वर्ड है वो क्या है? वो आपका एडवर्ब है। तो आज हमने पढ़ा एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसमें बताया जाता है कि कोई भी एक्शन, कोई भी वर्क, कोई भी वर्क, कोई भी वर्ब, एक्शन वर्ड किस तरीके से किया गया, तरीका बताया जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर में। एडवर्ब ऑफ प्लेस में जो एक्शन है वो कहाँ किया गया, एडवर्ब ऑफ टाइम कब किया गया, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसली मीन्स डेली किया गया, रोज किया गया, या फिर मंथली किया गया, या ईयरली किया गया। एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री मतलब कह सकते हैं कि जो वर्क है या किसी चीज़ के बारे में जो बताया जा रहा है एक्शन के वर्ड के बारे में, वो किस तरीके से मीन्स वो कैसा वर्क है, उसकी क्वालिटी क्या है। डिग्री वही होता है ना, जैसे हम लोगों ने बताया कि पॉजिटिव होता है, कंपरेटिव होता है और सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो अगर कोई एक्शन है तो वो किस कैटेगरी में आता है, किस तरीके से किया गया है, तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा। टुडे इन अ होमवर्क यू विल डू एक्सरसाइज नंबर आई, अंडरलाइन द एडवर्ब इन ईच सेंटेंसेस एंड स्टेट इट्स काइंड। आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, बहुत सिंपल है। जो एडवर्ब आए हैं इन सेंटेंसेस में उनको अंडरलाइन करना है और उसके बारे में बताना है कि वो कौन सा टाइप ऑफ एडवर्ब है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर जे, रिप्लेस द वर्ड इन इटैलिक विथ सुटेबल एडवर्ब। इसमें जो वर्ड दिए गए हैं इटैलिक मीन्स जो तिरछे हैं, उनको रिप्लेस करके और आपको वहाँ पर सुटेबल वर्ड लगाना है एडवर्ब का। जैसे ही स्पोक टू दैम इन अ हार्श वे, वह बोला उन लोगों से इन अ हार्श वे, बहुत ही कर्कश तरीके से। तो अब यहाँ पे हार्श की जगह कौन सा ऐसा सुटेबल वर्ड होगा। टुडे यू विल डू बोथ एक्सरसाइज। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।